Hello my dear students, in this part of video we will discuss about the lesson Magnetism, class 6 physics ICSE. In this lesson we will discuss about the magnetic and non-magnetic materials, properties of the wire magnet, magnetic field around the magnet, and in the next part of video we will discuss about the making of magnets as well as the care and storage of magnet and the uses of magnets. So let's start one by one. My name is Sadashiv Takle and you are watching Knowledge Planet. So, students, you know that the magnet is a material or the object that produces a magnetic field. क्या है magnet? Magnet ऐसा material है, ये object है, जो क्या करता है? Magnetic field produce करता है. Okay? But what is the history of magnet? Magnet की history क्या है? Magnet का कैसे actually हमें पता चला? तो क्या हुआ? Greeks discovered a magnet. Magnet का discovery किसने की? Greeks ने की before 500 BC. A shepherd named Magnes found that his stick which had a small iron piece. एक शेफर्ड था, उसके लकड़ी में नीचे क्या था? आयरन पीस लगा वाला था. मगर वो कुछ काम करते करते क्या हुआ उसका? वो जो स्टिक है वो स्टक एट द ब्लैक स्टोन, एक काले स्टोन को वो चिपक रही थी. तो उसे समझ में आ गया कि मेरी जो आयरन की लकड़ी है वो वहाँ पे चिपक रही है. सो दिस स्टोन हैज़ अ प्रॉपर्टी of the attracting small pieces of iron. तो ये stone के पास property थी कि iron के टुकड़े को खुद की तरफ attract करना. तो ये property, ये stone कहाँ पे मिला? Since the stone was first found in the place where, कहाँ पे था? That place is name of that place is Magnesia. उस place का नाम था Magnesia. तो उस place के ऊपर वो black stone का नाम आया. क्या नाम आया? Magnetite नाम आया. Okay? So magnetite is nothing but the magnet. So types of magnets. Magnets are two types. दो types के magnet होते हैं. The first one is a natural and second one is a artificial. अब magnet obtained naturally from earth. जो हमें earth से मिलते हैं naturally form है. उस magnet को हम natural magnet कहते हैं. Example है magnetite, black stone जो हमने अभी सुना. Now artificial magnet क्या है? जो हमने बनाया. The artificial magnet is made up from the materials like the iron, cobalt and nickel. Using varying methods, अलग अलग मेथड का यूज़ करके हम आर्टिफिशियल मैग्नेट, आयरन का, कोबाल्ट का या निकेल, ये मटेरियल्स का यूज़ करके आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर, कौन से एग्जाम्पल्स हैं? बार मैग्नेट है जो हमने बनाया. ओके, रू शो मैग्नेट है, डिस्क मैग्नेट है. ओके, दिस आर द डिस्क मैग्नेट, रिंग शेप मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट. सो ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्टिफिशियल मैग्नेट. ये सभी मैग्नेट हमने, मतलब ह्यूमन बीइंग ने बनाए वाले हैं डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके, जो मेथड्स हम आगे पढ़ने वाले हैं. नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. मैग्नेटिक मटेरियल कौन से है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से है? द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस मटेरियल्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो कौन से मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? आयरन है, निकेल या कोबाल्ट, दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट. इसकी तरफ मैग्नेट या मैग्नेट की तरफ ये मटेरियल्स अट्रैक्ट होते रहते हैं, तो उनको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, द मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड, जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं और या जिस मटेरियल की तरफ मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होता है, उनको कहते हैं हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. एग्जाम्पल क्या है? लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है. ऑल आर द नथिंग बट द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. इसके ऊपर मैग्नेट का कुछ भी असर नहीं होता है, मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? लेट अस लुक सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पोल्स ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट्स के पोल क्या होते हैं? If we leave a magnet in a set of small piece, अगर small piece के अंदर उसके टुकड़े टुकड़े करके हम अगर magnet को छोड़ते हैं तो, and वहाँ पर अगर हम small needles या small iron fillings हम अगर डालते हैं तो क्या होता है? Will the needles get attracted to all part of magnet uniformly? सभी part को, suppose एक टुकड़ा है magnets का और नीचे क्या है? iron filling है, या हम needles डाल दें इसके ऊपर, तो सभी नीडल्स या सभी आयरन की फिलिंग्स जो है, टुकड़े टुकड़े है, उस सभी टुकड़े जब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो सभी टुकड़े यूनिफॉर्मली ऑल द पार्ट्स ऑफ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. क्या लगता है आपको? होते हैं क्या? नहीं होते हैं.
So the magnetic force of attraction is maximum at the एंड ऑफ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट की जब टुकड़ा रहता है तो दो एंड, जो दोनों एंड है, एंड के पास अट्रैक्शन, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है. सो द एंड्स ऑफ दैट मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, दैट इज कॉल्ड एज पोल्स ऑफ दैट मैग्नेट और मैग्नेटिक पोल्स. तो उसको कहते हैं हम मैग्नेटिक पोल्स या पोल्स ऑफ मैग्नेट. क्यों कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स, वहाँ पे अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड्स को मतलब पोल्स के पास ज़्यादा रहता है. दैट्स वाई उसको हम कहते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं. ऑल मैग्नेट्स हैव द टू पोल्स, सभी मैग्नेट के पास दो पोल्स रहते हैं. द फर्स्ट वन इज द नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज द साउथ पोल. उसको हम कैपिटल एन एंड कैपिटल एस से इंडिकेट भी कर सकते हैं, करते हैं. सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ द पोल्स ऑफ मैग्नेट गॉट दीज नेम्स फ्रॉम द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट. नाउ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, ये नाम यस एन एन ऐसे क्यों रखा है, क्योंकि सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड हाउ विल यू बिहेव. सपोज हमने एक बार को, मैग्नेट को हम एक थ्रेड से बांध के हमने फ्रीली सस्पेंड मतलब एक एयर में हमने पकड़ा है समझो, तो क्या हुआ, वो क्या करेगा, स्टेडी कब वो कहाँ पे रुकेगा, साउथ एंड नॉर्थ पोजीशन पे ही रुकेगा. तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन, कहाँ पे अलाइन होता है, इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही वो अलाइन होता है. ओके तो ये जो प्रॉपर्टी है, तो दैट इज प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. डायरेक्शनल प्रॉपर्टी उसकी डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ एंड साउथ पे है. तो अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वी हैव गिवन द नेम पोल्स एन एंड यस, दैट इज अ नॉर्थ एंड साउथ पोल. नाउ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट होना एंड रिपेल करना. ओके वी विल सी वन एक्सपेरिमेंट. वी हैव सीन द मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल. बट हम अभी प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया है कि मैग्नेट की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं. मगर सपोज फॉर एग्जांपल दो अलग अलग बार मैग्नेट है, तो वो दो बार मैग्नेट अगर एक दूसरे के पास लेके जाए तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, क्या होता है. ओके इफ यू सी दिस टू फिगर्स, दोनों फिगर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, एन एन नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल है. तो अगर दो बार मैग्नेट के सेम पोल एक दूसरे के पास हम क्लोज लेने की कोशिश किया जाए तो वहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होता है. मींस लाइक पोल, जो लाइक पोल्स है उसके पास क्या होगा, रिपल्शन होगा. अट्रैक्शन है क्या, यहाँ पे चिपक रहे क्या, नहीं चिपक रहे. अगर अनलाइक पोल है, साउथ नॉर्थ हो या नॉर्थ साउथ हो, अनलाइक पोल अगर एक दूसरे के पास लेके जाए तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा. तो हम कंक्लूजन इससे क्या निकलते हैं, सो द लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक पोल्स क्या हो रहा है, रिपल कर रहा है, एक दूसरे के दूर जा रहे हैं. मगर अनलाइक पोल्स मतलब अपोजिट पोल्स क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहा है. सो द अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड एज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है इसलिए हम उसके कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट. एंड द रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट दैट इज कॉल्ड एज रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट. ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी है और यहाँ पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एक्ट कर रही है. दिस इज अ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट. नाउ द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स. मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स, कौन सा भी टुकड़ा रहने दो तो वहाँ पे दो पोल ऑटोमेटिकली फॉर्म होते हैं. ये बार मैग्नेट है, इसको हमने ब्रेक कर दिया. ब्रेक करने के बाद नॉर्थ और साउथ अलग हो गया क्या, नहीं होता है ऐसा. ब्रेक करने के बाद सडनली यहाँ पे अगेन साउथ पोल फॉर्म हो गया और इस टुकड़े में नॉर्थ पोल फॉर्म हो गया. इसको अगर हमने और एक बार ब्रेक किया तो क्या होगा, नॉर्थ के पास साउथ फॉर्म हो गया और साउथ के पास नॉर्थ फॉर्म हो गया. मतलब कौन सा भी टुकड़ा है आफ्टर ब्रेक क्या होगा, वहाँ पे दो पोल्स फॉर्म होंगे. वी कैन नॉट सेपरेट द वन मैग्नेट पोल फ्रॉम द अदर. हम उसको दोनों पोल को अलग नहीं कर सकते हैं, ब्रेक करने के बाद भी नहीं अलग कर सकते हैं. दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर. इफ यू ब्रेक द मैग्नेट इन टू द टू पीस देन ईच पीस विल बिहेव एज अ सेपरेट मैग्नेट हैविंग बोथ नॉर्थ एज वेल एज साउथ पोल. इसको हमने ब्रेक कर दिया तो दो मैग्नेट हो गए, तो दो मैग्नेट में दोनों सेपरेट मैग्नेट फॉर्म हो गए. यहाँ पे साउथ नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल फॉर्म हो गए. यहाँ पे भी और एक बार टुकड़े करने के बाद यहाँ पे भी नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ फॉर्म हो गया. तो वी कैन नॉट ब्रेक द पोल्स, पोल हम ब्रेक नहीं कर सकते. ब्रेक करने के बाद सभी टुकड़े सेपरेट
मैग्नेट एक्ट करेंगे हैविंग अ बोथ पोल्स. सो दैट इज अ मैग्नेटिक पोल्स कैन नेवर बी आइसोलेटेड. नाउ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड. सो द रीजन अराउंड द मैग्नेट विद इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंसिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, मैग्नेट के सराउंड अट्रैक्शन फील्ड या रिपल्शन जो फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इमेजिनरी लाइन्स. हम इमेजिनरी लाइन्स से हम उसको इंडिकेट करते हैं. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड, हमने इसको इंडिकेट किया. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये बार मैग्नेट में. यहाँ पे अनलाइक पास आ गए, जहाँ पे अट्रैक्शन है. अट्रैक्शन मतलब दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यूरिंग द अट्रैक्शन. यहाँ पे लाइक पोल्स पास आ गए, तो यहाँ पे लाइन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यूरिंग द रिपल्शन, तो हमने ऐसी लाइन की. सो ऑल दिज आर द नथिंग बट द इंडिकेटिव इमेजिनरी लाइन्स, दैट इज आर द मैग्नेटिक लाइन्स. सो दीज मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स आर कर्व लाइन्स कंसिडरिंग टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल्स टू द एंड एट साउथ पोल. तो वो कहाँ पे ओरिजिन हो गया उसका, नॉर्थ पोल में ओरिजिन हो गया, और एंड कहाँ हो गया, साउथ पोल में एंड हो गया. तो दीज आर द नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस लाइक अ कॉइल आर नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस लाइक कॉइल. अगर कॉइल की हमने कॉइल फॉर्म करने के बाद अगर हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पास कर दिए या मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो गई, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. एंड द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया इज नॉट नोन एज फ्लक्स डेंसिटी. ओके, हम उसको आगे देखेंगे. सो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है. यहाँ पे अट्रैक्शन में लाइन्स कैसे इंडिकेट करते हैं और रिपल्शन में लाइन कैसे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे देखा जाएगा. यू कैन सी हियर अगेन, यहाँ पे है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या है, एरो है. यू कैन सी द एरो इंडिकेशन, यहाँ पे नॉर्थ पोल से फील्ड निकल रही है और यहाँ पे मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये हम दिखाते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस रहते हैं. क्लोज्ड कर्व ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड कर्विंग एट द साउथ पोल. जस्ट मैंने बोला है आपको, नॉर्थ पोल की तरफ से निकलते हैं और साउथ में जाके रुकते हैं. सो दीज आर द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. सेकेंड वन इज विद इन अ बार मैग्नेट द फील्ड लाइन्स मूव फ्रॉम द साउथ पोल टू अ नॉर्थ पोल विद इन अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट विद इन अ बार मैग्नेट में क्या होता है, लाइन्स फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल क्या करती है, एक्ट करती है. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, नो टू फील्ड्स लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन कभी भी एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. आपने अभी देखा है कौन सी भी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई क्या, नहीं होगी, ऑल लाइन्स आर सेपरेट. नाउ अर्थ एज ए मैग्नेट, क्या लगता है आपको, अर्थ मैग्नेट है? यस, डेफिनेटली अर्थ इज वन ऑफ द मैग्नेट. हाउ, वी हैव लर्न अबाउट द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. हमने अभी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है. बट वॉट मेक्स द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वाई, ऐसे क्यों होता है, साउथ नॉर्थ में ही क्यों होता है? बिकॉज द रीजन इज फैक्ट दैट अर्थ हैज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड अर्थ एक्ट एज अ ह्यूज बार मैग्नेट. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ एक्ट एज अ ह्यूज मैग्नेट एक्ट करता है, और अर्थ में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है. द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज नियर टू द ज्योग्राफिक साउथ पोल. क्या है ये, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ ज्योग्राफिक साउथ पोल. एक्चुअल ज्योग्राफिक साउथ पोल कहाँ पे है, ये है, दिस इज अ नॉर्थ पोल. जहाँ पे ज्योग्राफिक साउथ पोल है वहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल आएगा, और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वहाँ पे मैग्नेट का क्या आएगा, साउथ पोल आएगा. ओके, इतना आप ध्यान रखो, जहाँ पे अर्थ की क्या है, साउथ है, वहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ, जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ है वहाँ पे मैग्नेट का साउथ. ओके, लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. सो व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट साउथ पोल ऑफ द अर्थ. अर्थ में जो साउथ पोल है
अर्थ में जो साउथ पोल है वो साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ मतलब ज्योग्राफिक साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये ऐसे इस डायरेक्शन में अलाइन होता रहता है बार मैग्नेट। ओके, नाउ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या है? वन नाउ ऑफ द बार मैग्नेट है, इसमें एक नीडल से बार मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ में डेफिनेटली जो हम अलाइन करते हैं इसमें यहाँ पे इंडिकेट किया है। ओके, द कंपास इज अ डिवाइस यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ द मैग्नेटिक नीडल प्रोवाइडेड अ शार्प पॉइंटर सपोर्ट एंड द फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजेंटल प्लेन। द मैग्नेटिक नीडल इज ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स द साउथ नॉर्थ और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द मैग्नेटिक कंपास इज मेनली यूज बाय द सेलर्स, सी वाइवर्स एंड द एक्सप्लोरर्स। ये यहाँ पे सिंपली बार मैग्नेटी है, उसमें नीडल्स टाइप एक वहाँ पे पट्टी है मैग्नेट की, वो क्या होती है डेफिनेटली साउथ एंड नॉर्थ में रुकती है। ओके, थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन।